स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं शर्मुजे के लड़के यानी आलोक को। समय हो रहा है सुबह के 3:30 और तापमान हो रहा है करीब 6-7 डिग्री। सुबह 6 बजे के आसपास 4 डिग्री होगा। घूमने निकल रहे हैं कहीं, वो लोग अपनी कॉफ़ी उठा रहे हैं, मिलवाएंगे भी आपको इन लोगों से। दिखाते हैं हम आपको कहाँ जा रहे हैं, क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स की तरफ। सूर्योदय का समय था सुबह के 6:32 का। हम लोग 5:50 पे पहुंच गए। मैंने इन लोगों से 6:12 बोला था ताकि ये लोग लेट ना करें। 3 बजे निकले, मैं निकला था 3:30, निकल गए थे वामसी के घर से। 4 बजे तक हम हाईवे पे आ गए थे। 1:50 में अराउंड 250 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम पहुँचे यहाँ पर ये सनराइज़ देखने के लिए, जो काफ़ी अद्भुत लग रहा है। मैंने काफ़ी प्यारे प्यारे सनराइज़ देखे हैं यहाँ पर, उनमें से ये भी एक गिनूंगा मैं हमेशा। थोड़ा और जल्दी आ सकते थे बट ये छोटी सी एक वॉक 5 मिनट की पार्किंग से लेके। फैसला लिया थोड़ा नीचे उतर के थोड़ा और नज़दीक से देखने का इस सूर्योदय को। बहुत ही सुंदर दृश्य है हमारे सामने। Vamsi, are you walking fast or are you dancing or feeling cold? We also have muffins. If you just wanted something small, we have muffins in the takeaway. Okay, I'll take one muffin. Yeah, so we've got today we've got mango berry, which is vegan, or peanut butter chocolate caramel. I'll go for the vegan option. वेजिटेरियंस के लिए कुछ खास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं यहाँ ब्रेकफास्ट में। मेरे को मफ़िन मिला, मैंने ऑर्डर कर दिया। कुछ खास शौकीन मैं हूँ नहीं मफ़िन का, बट आपका कभी बैरन बे का चक्कर लगे तो ये रेस्टोरेंट बेलीफ अब ज़रूर आए। लाइट हाउस से 2-3 मिनट की ड्राइव पे ही है और बहुत ही शानदार कॉफ़ी और चाय मिलती है। ब्रेकफास्ट कुछ खास रिकमेंड करूँगा नहीं मैं, ठीक ठीक से था। घर वापसी हो गई थी, आके सो गया था दोपहर 1 से लेकर रात को 9 बजे तक। अब बेड गेट कर रहा हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करी थी, एक छोटी सी रोड ट्रिप पर क्या है, आना जाना 400-450 किलोमीटर। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ऑस्ट्रेलिया घूमने का या आने का शौक हो। कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। आप देख रहे थे शर्मा जी के लड़के को। मैं मिलता हूँ आपसे अपने ब्लॉग में अगले। ख्याल रखिए अपना।